बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ज़ीरा मखनी राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें बहुत सी ऑप्शनल चीज़ें भी होंगी जो आप अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे आप राइस देख रहे हैं, ये मैंने ये कप जो है मैंने ये दो कप लिए हैं राइस के। कच्ची बासमती राइस है, आप इसकी जगह पर पक्की बासमती राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून जो है ऑयल इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमने इसमें मक्खन भी इस्तेमाल करना है एंड में, तो इसलिए 2 टेबल स्पून ऑयल है। साथ में व्यूअर्स, ये एक छोटी प्याज जो है ये मैंने स्लाइस कर लिया, ये डालूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा प्याज जो है वो नरम हो चुका है। अब मैं ये साबित गर्म मसाला डालूँगी। इसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, 4 लौंग है और साबित काली मिर्च है और एक तेज़पात का पत्ता है, ये डाल दूँगी। तो हल्का सांभर जस्ट फ्राई करेंगे। इसमें तकरीबन थोड़ा सा 3/4 कप जो है मैं पानी डालूंगी। फिर अब मैं इसमें जो है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया डालूंगी और साथ में तकरीबन 1/2 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का वो मैंने पीसा है धनिया के साथ। फिर 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं रेड चिली डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना अपनी मर्ज़ी से, अपने टेस्ट मुताबिक आप डाल सकते हैं इसमें। फिर थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 कप। सब्जी तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारा अदरक और जो हमने इसमें धनिया डाला था वो हमारा पक जाए। फिर अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, मैं 1 कप डाल चुकी हूँ। 2 कप अगर मैंने ये राइस लिए थे तो मैं 4 कप पानी डालूंगी, क्योंकि कच्ची बनस्पति राइस है तो इस वजह से जो है मैं इसमें सिर्फ 3 कप पानी डालूंगी। साथ में भी 3 सब्ज़ मिर्चें डालूंगी। साथ में भी 3 छोटे आलू थे, इनको मैंने जो है इस तरह से जो है थोड़ा मोटा मोटा स्लाइसेस में काट दिया है। ये भी पानी के साथ डालूंगी और पानी के साथ ही ये जो है ये भी पक जाएंगे आराम से, जैसे जैसे पानी बॉयल होगा। व्यूअर्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें मटर भी डालना चाहते हैं आप मटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे पानी बॉयल होने तक। व्यूअर्स देखिए, पानी बॉयल हो चुका है। अब फिर मैं इसमें जो है सॉल्ट डाल रही हूँ। नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये पिंक सॉल्ट है, ये मैंने घर में खुद ही पीसा है, ये डाल दूँगी। साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये डाल दूँगी। साथ में व्यूअर्स, ये मैंने 2 जवे लहसुन के लिए थे उसका पानी डाल दूँगी। साथ फिर ये मैं चावल भी डाल दूँगी। ये 10 मिनट पहले जो है मैंने इनको 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, 10 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं। फिर देखें तकरीबन 1/2 कप इसमें पानी रह गया है, तो अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी 15 मिनट के लिए और फ्लेम जो है हम लो कर देंगे इसका। व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं, मैं अब इसका दम खोलने वाली हूँ और इसमें हम मक्खन ऐड करेंगे। ये मैंने अभी ही ताज़ा ताज़ा मक्खन बनाया है, तकरीबन भर के 1 टेबल स्पून जो है मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी, ये डाल देंगे और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए व्यूअर्स दम पे दे देंगे। व्यूअर्स, 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब मैं इसका दम खोल दूंगी और इसको हल्के हल्के हाथों से जो है आपने इसको हिलाना है। बहुत ही मज़े की व्यूअर्स खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी ज़ीरा मखनी राइस की रेसिपी, बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है। व्यूअर्स, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।